ट्राई ये कर रहा हूँ कि वो टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ाऊँ जो आप इंडिविजुअली या जिस बंदे का इस्लामिक स्टडीज़ का या जिस बंदे का कंपेटिटिव एग्ज़ाम का बैकग्राउंड नहीं है वो इंडिविजुअली जो प्रिपेयर ना कर सके, वो ऐसे तमाम टॉपिक्स को मैं आप लोगों की हेल्प कर दूं। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल सिंपल हैं, जिसमें कोई इतनी टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें कोई समझने वाली चीज़ इन्वॉल्व नहीं है, तो वो लेक्चर्स मैं स्किप कर रहा हूँ। आज का जो लेक्चर है ये हमारा जो सिलेबस कंटेंट है उसका सेकंड पार्ट है, स्टडी ऑफ सीरा ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एज रोल मॉडल फॉर। अब ये किस किस का रोल मॉडल है, इंडिविजुअल के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ कैसी थी, कि एक इंडिविजुअल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से, बीइंग एन इंडिविजुअल मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से क्या क्या सीख सकता हूँ, एक डिप्लोमेट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से क्या सीख सकता है, एजुकेटर क्या सीख सकता है, टीचर जिसे कहते हैं, मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट आपकी लाइफ से क्या सीख सकता है, और एक पीस मेकर आपकी लाइफ से क्या सीख सकता है। मतलब हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के इन पांच एस्पेक्ट्स को हम देखेंगे, और इसमें काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हमारे दूसरे भी क्लियर हो जाएंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में रहे। अब जहाँ तक बात है एक इंडिविजुअल की, तो सोसाइटी में या ह्यूमन बींग्स की जो हमारी वैसे अगर हम लाइफ को देखें उसमें, मीनवाइल आप लोग मेरी एक हेल्प कर दीजिए प्लीज़, जितने लोग देख रहे हैं, इफ़ यू कैन शेयर दिस वीडियो इन डिफरेंट CSS रिलेटेड ग्रुप दैट विल बी हाईली अप्रिशिएबल। जो लोग नहीं भी हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा, आप लोगों के छोटे से एक्ट से वो लोग काफ़ी कुछ लर्न कर लेंगे। अच्छा, सोसाइटी में रहते हुए एक इंडिविजुअल की लाइफ में कौन कौन से फेजेस आते हैं, वो फेजेस हम देखेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में आए, ऑब्वियसली आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तमाम फेजेस में आपने कैसी लाइफ गुजारी, जो हमें वहाँ से लर्न करने को कुछ मिलेगा। तो वो फेजेस जो हम लोग, एवरीबॉडी गोज थ्रू फेज एज अ चाइल्ड, एक बच्चा होने के नाते, एज एन एडल्ट जो टीनेजर होता है उस वो, फिर एज अ मैन जो कॉमन एक मैन होता है सोसाइटी में, जिसमें एक मर्द ने लाइफ गुजारनी होती है, एक मर्द ने एज अ हस्बैंड लाइफ गुजारनी होती है, उसी में से हम देख सकते हैं एज अ वुमेन एक वाइफ के तौर पर भी, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाइफ्स हैं वहाँ से हम लोग वो देख सकते हैं। तो ये ओवरऑल एज अ फादर भी, ऑब्वियसली एज अ मैन में, एज अ हस्बैंड में वो बाकी की चीज़ें भी आ जाएंगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एज अ चाइल्ड कैसी लाइफ गुजारी, किसी भी बच्चे के बारे में अगर सबसे बेहतरीन कोई डिपिक्ट कर सकता है, कोई उसकी उसके बारे में बता सकता है, तो वो उस बच्चे की माँ हो सकती है। माँ से बेहतर किसी बच्चे को कोई नहीं समझता। एट द सेम टाइम ये भी, किसी बच्चे के बारे में जो उसकी माँ बता रही होती है, वो बेसिकली माँ अपना करेक्टर शो कर रही होती है कि मैंने उसकी तरबियत कैसे की है। ऑब्वियसली जो बच्चे की करेक्टरिस्टिक्स हैं वो माँ की तरबियत से ही नज़र आते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमें नज़र आ जाएंगी कि एक मदर को कैसी तरबियत करनी चाहिए और एक बच्चे को अपनी फैमिली के लिए या एज एन इंडिविजुअल बच्चा वो कैसा होना चाहिए। हज़रत आमिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालदा हैं, आप फरमाती हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स पेरिश, ऑल थिंग्स न्यू गेट ओल्ड, ऑल थिंग्स इन अबंडेंस डिमिनिश, ऑल थिंग्स ग्रेट डिसअपीयर। अब ये अरब्स का एक स्टाइल था बात करने का, अरब्स अपने आप को अरब कहते ही इसलिए, अरब का मतलब है द वन हु हैज टंग, द वन हु कैन टॉक, एंड अजम का मतलब होता है गूंगा, जिसके पास जुबान नहीं है, जो बोल नहीं सकता। अरब्स को तब भी और आज भी अपने अरब होने पे इसलिए फख्र है कि वो समझते हैं अरबिक लैंग्वेज इज वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। जो मैनकाइंड को आज तक कोई जुबान मिली है उनमें से सबसे ज़्यादा डेप्थ वाली, सबसे ज़्यादा डिटेल वाली अगर कोई लैंग्वेज है तो वो अरबिक है। अब अरबिक बाय बर्थ कह लें या बाय चॉइस एलोक्वेंट होते हैं, मतलब कोई भी बात डिफरेंट खूबसूरत अंदाज से कहने की उनकी आदत है। तो ये उसी आदत का एक मैं आपके सामने जो बता रहा हूँ ना, हज़रत आमिना फरमा रही है कि तमाम जिंदा चीज़ें एक दिन ख़त्म हो जाती हैं, तमाम नई चीज़ें एक दिन पुरानी हो जाती हैं, तमाम चीज़ें जो वाफिर मिकदार में मौजूद हैं एक दिन उनकी कमी हो जाती है,
तमाम चीज़ें जो अजीम हैं एक दिन बिल्कुल वो नापैद हो जाती हैं। इसके साथ ही आप आगे फरमाती हैं, सर्टनली आई टू विल डाई, एक वक्त आएगा जब मैं भी दुनिया से चली जाऊंगी। अब यहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से हम क्या सीखते हैं एज अ चाइल्ड, या हमने अपने बच्चे की कैसी तरबियत करनी है वो क्या सीखते हैं, वो है बट आई विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड। अब हजरत आमिना ये फरमा रही हैं, मैं भी दुनिया से चली जाऊंगी लेकिन मुझे हमेशा याद रखा जाएगा, बिकॉज आई लीव टू द वर्ल्ड माई सन एज अ बेनोविलेंट फ्यूचर, क्योंकि मैं दुनिया को अपना बेटा एक खूबसूरत, एक हसीन, एक मुमताज फ्यूचर देने के लिए छोड़ के जा रही हूँ। दैट इज़ व्हाट वी नीड टू लर्न फ्रॉम प्रॉफिट्स लाइफ एज अ चाइल्ड, कि हमने अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, जब वो बड़े हों तो वो दुनिया के लिए मशले राह बने, जब वो बड़े हों तो वो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाले बने, वो लोगों को सपोर्ट करने वाले बने। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमने लाइफ देखी, ऑब्वियसली हज़रत आमिना जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के थे, हज़रत आमिना दुनिया से पर्दा फरमा गई, तो उसके बाद जो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ देखते हैं वो लाइफ हमें क्या शो करती है, वही जो हज़रत आमिना ने प्रेडिक्ट किया था कि आई एम लीविंग टू द वर्ल्ड माई सन एज अ बेनोविलेंट फ्यूचर। ये जितने भी कोट्स हैं और जितने भी पॉइंट्स हैं ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। फिर एक बच्चे की तरबियत किस तरह करनी चाहिए और एक बच्चा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से हम क्या सीखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी पूछते हैं, या रसूलुल्लाह, अल्लाह की नज़र में सबसे ज़्यादा मोहब्बत वाली चीज़ कौन सी है, मोहब्बत वाला काम कौन सा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज उसके मुकर्रर वक्त पर, अगर तुम पढ़ते हो तो। फिर पूछा, या रसूलुल्लाह, उसके बाद? फिर आपने फरमाया, काइंडनेस टू पेरेंट्स। फिर फरमाया, उसके बाद? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह की राह में कोशिश करना, जिहाद। तीन चीज़ें, वो चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, और ना सिर्फ बताई बल्कि करके दिखाई। ये अगेन वही चीज़ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से एज एन इंडिविजुअल हम क्या सीखते हैं, बच्चों को आपने तरबियत में क्या सिखाना है। पहली चीज़ नमाज है, दूसरी चीज़ जो सोसाइटी से रिलेटेड है, दैट इज़ काइंडनेस टू पेरेंट्स, अपने वालिदैन। और ये काइंडनेस कहाँ से शो होती है? डू गुड, हैव गुड। अगर बच्चों के सामने आप अपनी माँ के साथ, आप अपने बाप के साथ बदतमीजी कर रहे हैं और गलत रवैया अपना रहे हैं, दैट इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू फेस व्हेन यू आर एन ओल्ड पर्सन। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखा रहे हैं। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, ही इज़ नॉट वन ऑफ अस हु शोज नो मर्सी टू यंगर वंस एंड डज नॉट एक्नॉलेज द ऑनर ड्यू टू आर एल्डर्स। वो हम में से नहीं जो बड़ों के लिए, बड़ों का अदब ना करे और छोटों पर शफकत ना करे। और अगेन ये हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके इंडिविजुअल लाइफ से सीखा कि बड़ों के लिए बच्चों की कैसी तरबियत की जाएगी और बड़ों को क्या हुक्म है कि वह बच्चों के साथ कैसे पेश आएंगे। ये सारी चीज़ें हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी। तो ये हम कोट कर सकते हैं कि एज अ चाइल्ड बच्चों की तरबियत कैसी करनी चाहिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से सीखने के बाद। यहां तक समझ आ गई आप लोगों को? इसके बाद आगे चलते हैं। एक एक मैसेज कर दीजिए, मुझे तसल्ली हो जाए कि आपको समझ आ रही है। अब ये चीज़ें इसी तरह आपने पेपर में कोट करनी होती हैं, आपने ये चीज़ें इसी तरह पेपर में रिलेट करनी होती हैं कि दिस इज़ व्हाट वी लर्न, दिस इज़ व्हाट वी हैव गॉट फ्रॉम प्रॉफिट्स लाइफ एज एन इंडिविजुअल। वो बच्चे, बच्चों की तरबियत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से हम क्या सीख सकते हैं, इस तरह आपने उसको रिलेट करना है। इसके बाद आते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ एज एन एडल्ट, एज अ टीनेजर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी यूथ की लाइफ मर्द होने से पहले पहले जो लाइफ गुजरती है बंदे की, यानी कि 14-15 साल से ऑनवर्ड्स 25 के राउंड अबाउट की जो एज होती है, उस एज में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या सीखते हैं। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दौर का बहुत बड़ा सोशल वर्कर पाया गया। हमारी यूथ को अगर आप देखें, सिगरेट पी रहे हैं, हमारी यूथ भाग रही है, दौड़ रही है, टूर पे जा रहे हैं,
यूनिवर्सिटी अटेंड कर रहे हैं, कॉलेज अटेंड कर रहे हैं, अपनी ज़ाती ज़िंदगियों में मसरूफ़ हैं, शादी में मसरूफ़ हैं, अपनी दोस्तों में, यारानों में, इस तरह की चीज़ों में मसरूफ़ हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यूथ से हम लोग क्या सीखते हैं, आपकी यंग एज से हम लोग क्या सीखते हैं? एक वाक़या है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ का, उसको इब्ने जुंदस का घर था, वहाँ पर यूथ ऑफ मक्का इकट्ठी हुई, जो यंगस्टर्स थे, नौजवान थे, वो सारे इकट्ठे हुए। उन्होंने एक मुआहदा वहाँ पे किया, उस मुआहदे को कहा जाता है हिल्फुल फुदुल या हिल्फुल फजल, ओथ ऑफ द राइटियस, नेक लोगों का मुआहदा। अब उस मुआहदे के बीच में बेसिकली डिसाइड क्या किया गया था, ये एक काइंड ऑफ उस दौर की आप एनजीओ कह सकते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आप इसको कह सकते हैं, या एक सोशल वेलफेयर प्रोग्राम कह सकते हैं। जो अरब्स थे, स्पेशली जो मक्का के अरब्स थे, वो सूद के कारोबार में, मैं पिछले लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ, सूद के कारोबार में बहुत ज़्यादा इंडल्ज थे। मतलब मुझे अगर पैसों की ज़रूरत है तो जो अमीर लोग हैं वो मुझे पैसे देंगे सूद के ऊपर, और मैं पूरी उम्र उसका सूद पे ऑफ करता रहूँगा, लेकिन मेरी प्रिंसिपल अमाउंट वहीं पर रहेगी, तो मैं मुसलसल उस दलदल में धंसता जाऊँगा। और पूरी सोसाइटी इस चीज़ में फंसी हुई थी। ये जो इन्होंने मुआहदा किया, ये बेसिकली इस मुआहदे की जो शिक थी वो ये थी, वी शैल नॉट सिट आइडल अनलेस द डेट ऑफ एवरी पर्सन इज पेड ऑफ। हम लोग उस वक्त तक आराम से नहीं बैठेंगे, हम लोग उस वक्त तक कोशिश करते रहेंगे जब तक हर इंसान का कर्जा हम लोग पे ऑफ नहीं करवा देते। मतलब उसको किसी तरीके से हेल्प करेंगे, किसी को जॉब दिलवा दें, किसी को फाइनेंशियली हेल्प कर दें। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में चले गए, ये आपकी यंग एज का वाक़या है। मदीना शरीफ में चले गए तो वहाँ पे कभी आप अगर इस वाक़े को याद करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मुझे आज अगर सुर्ख ऊँट दिए जाएं और एक तरफ मुझे ये ऑप्शन दिया जाए कि मैं वो मुआहदा दोबारा करूँ। अब उस दौर में सुर्ख ऊँट की वैल्यू वो थी जो आज आपके और मेरे लिए फरारी की वैल्यू है। मतलब उस दौर के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली जो बेस्ट पॉसिबल व्हीकल था ट्रैवल करने के लिए वो सुर्ख ऊंट थे अरब्स के लिए। तो आप सल्लम फरमा रहे हैं कि मुझे अगर वो ऑफर किया जाए एक साइड पर, दूसरी साइड पे ये वाला मुआहदा दोबारा करने का ऑफर किया जाए जिसमें मैं सोसाइटी की, गरीबों की मदद कर सकूं, तो मैं प्रेफर करूंगा कि मैं ये मुआहदा करूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से हम लोग ये सीखते हैं कि हमारे यंगस्टर्स को सोसाइटी के अच्छे कामों में इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, हमारे यंगस्टर्स को सोशल वर्क में हिस्सा लेना चाहिए, लोगों की फलाह बहबूद के काम करने चाहिए, उनको हेल्प आउट करना चाहिए। अब ये चीज़ें आप लोग नॉर्मली किताबों में मिलेंगी भी नहीं, अगर किताबों में मिलती भी हैं तो फिर आपको ये रिलेट करना सीखना चाहिए कि किस तरह मैंने ऑब्वियसली ये, लेकिन उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ की लर्निंग कैसे लेनी है और उसको आज की लर्निंग इंडिविजुअल होने के नाते हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या सीखते हैं, वो कैसे कोट करना है, ये आप लोगों को लर्न करना है। जितना राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, जितना काम इवेल्यूएट करवाएंगे, उतना आप ये सीखेंगे। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप की लाइफ को अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड करें, एक वो लाइफ जो नबूवत के ऐलान के बाद की ज़िंदगी है और एक वो लाइफ जो नबूवत के ऐलान से पहले की ज़िंदगी है, इन दोनों लाइफ्स में जो डिफरेंस हमें नज़र आता है, जो पहले की ज़िंदगी है उसमें एवरीथिंग दैट यू नीड टू डू रिगार्डिंग सोसाइटी, वो सब कुछ आपको मिलेगा उस लाइफ में। उसमें जो रिलीजन, इबादात और ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, ईमान और ये सारी चीज़ें वो नहीं हैं, लेकिन सोसाइटी में मुसलमान होके कैसे रहना है वो सब कुछ आपको मिलेगा। वो जो 40 साल के बाद की ज़िंदगी है, 23 साल की, उसमें आपको इबादात भी मिलेंगी अलॉन्ग विद दैट सोशल लाइफ, वो अपनी जगह पे मौजूद है लेकिन साथ में इबादात भी मिलेगी। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यंग लाइफ से हम लोग क्या लर्न करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो अलकाबाद से जाने जाते थे, नबूवत का ऐलान करने से पहले भी। वो दो अलकाबाद थे मोहम्मद अस-सादिक, सच बोलने वाला, एंड मोहम्मद अल-अमीन, अमानतदार, जिसके पास है, इफ़ यू गिव हिम समथिंग, इफ़ यू ना सिर्फ चीज़ें बल्कि इफ़ यू शेयर विद हिम समथिंग, अगर आप कोई इनटेंजिबल चीज़ भी, राज, कोई इस तरह की चीज़ भी बताओ तो वो भी जो आपके लिए महफूज रखे, उसके ऊपर भी जो पहरेदारी करे, उसको अमानतदार कहते हैं। ये दो फैक्शंस हैं
जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में मौजूद थे। अब मैं एक मिसाल देने लगा, वेस्टर्न लाइफ को अगर आप देखें, मेरे भाई हैं, चार भाई हैं माशाल्लाह, चारों के चारों यूरोप में हैं, तीन इंग्लैंड में हैं, एक स्विट्ज़रलैंड में है। उन लोगों का मैंने उनसे ये चीज़ उनसे इंक्वायर की थी, वो कहते हैं कि किसी गोरे को गाली दे दो, उसको बुरा भला कहो, उसके साथ एक्सीडेंट कर दो, वो उस पर शायद इतना बुरा नहीं मनाएगा जितना वो इस बात पर बुरा मनाएगा कि अगर तुम उसे झूठा कहो या अगर तुम उसे बेईमान कहो, दो नंबरी करने वाला कहो। दे कैन नेवर इवन इमेजिन कि मैंने झूठ बोलना है या मैंने बेईमान दो नंबरी करनी है। मतलब हम लोग मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली बुरे अच्छे लोग हर जगह पे होते हैं। मेरे वाले साहब गए इंग्लैंड, तो वहाँ पे वो जाते थे, उनका जो टाउन था उसके साथ एक पहाड़ी थी छोटी सी, पेंडल हिल उसका नाम था, वहाँ पे वो वॉक करने के लिए जाते थे भाइयों के साथ। वहाँ पे एक जगह पे गए तो वहाँ पे एक छोटी सी कच्चा रास्ता था, उस रास्ते के कोने पे एक स्टिक लगी हुई थी और उसके साथ एक टोकरी बंधी हुई थी, उस टोकरी के अंदर देसी अंडे पड़े हुए थे और साथ में रेट लिखा हुआ था कि दो अंडे इतने के, मतलब जो भी रेट उसका था, एक अंडा इतने का, फलाने इतने। कोई बंदा वहाँ पे मौजूद नहीं था। अबू जान कहते हैं कि मैंने इमरान से पूछा, बड़े भाई का नाम है, कि पुत्र ऐ की ये ऐ किसी ने क्यों लाया है? वो कहते हैं अबू जी के इधर साथ गांव में लोग रहते हैं, उनने घर पे मुर्गियां वगैरह इस तरह की चीज़ें रखी होती है, तो वो अंडे चूँकि यहाँ पे लोग वॉक करने आते हैं तो वो यहाँ पे अंडे रख जाते हैं। तो अबू कहते हैं यहाँ से चोरी नहीं होते, भाई कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता। इवन उसके अंदर अगर आपने दो अंडे उठाने हैं, वहाँ पे दो पाउंड आपने रख दिए, तो वो दो पाउंड भी उसके अंदर पड़े हुए हैं। और ये नहीं कोई करता कि मैं दो पाउंड चोरी कर लूँ या वहाँ से वो अंडे चोरी करके ले जाऊँ। हमारे यहाँ पे सोसाइटी का हाल देख लीजिए, दो बेईमानियों के हवाले से मैंने अगर घर के बाहर कूलर लगाया पानी वाला, तो उसकी जो ग्लास है उसको मैंने वो जंजीर के साथ मैंने वो लॉक के साथ बांध के रखा हुआ है कि कोई वो चोरी करके ना ले जाए। मस्जिद के अंदर हमें अपनी नमाज से ज़्यादा अपनी जूती की फिक्र होती है कि वो बाहर से कोई उठा के ना ले जाए। ये हमारी सदाकत और अमानत का हाल है, ये हमारी दयानतदारी का हाल है कि मतलब मैं पर्सनल अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, एज अ सोसाइटी हमारा ये हाल है। हम लोग दो नंबरी झूठ बोलना, बच्चे बच्चे को हमने सिखाया होता है कि झूठ बोलो, दो नंबरी करो, मतलब आई कैन कोट थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स जो हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं। अब वेस्टर्न सोसाइटी के ऊपर अल्लाह ताला की नेमतें, सारे अच्छे मौसम, सारी वो डेवलप्ड नेशंस क्यों हैं, उसके पीछे रीजंस हैं। जो नेचर है ना, वो प्रिंसिपल्स के ऊपर, खास असूलों के ऊपर वर्क कर रही है। नेचर को ये गर्ज नहीं है कि आप ला इलाहा पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, वो उधर मरने के बाद आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। जब आप इस दुनिया में मौजूद हैं तो वो रब्बिल आलमीन है। अगर यहाँ से नीचे से अच्छाइयाँ, नेकियाँ, सच्चाइयाँ, इमानतदारियों की शुआएँ जाएंगी, वाइब्स जाएंगी, तो ऊपर से रहमतें नाजल होंगी आप पर। लेकिन अगर नीचे से बेईमानियाँ, दो नंबरियाँ, झूठ, चुकारियाँ सब कुछ आएंगी, तो फिर आपने ये नहीं ब्लेम करना कि हमारे ऊपर नवाज शरीफ बैठा हुआ है या इमरान खान बैठा हुआ है या जरदारी बैठा हुआ है। वो जैसे आप होंगे वैसे ही वो आएंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से हम लोग क्या सीखते हैं कि सोसाइटी में बेस्ट लाइफ गुजारने के लिए दो बेसिक प्रिंसिपल्स सदाकत और अमानत हैं। एक दफ़ा एक सहाबी आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, फरमाया या रसूलुल्लाह दो बुरे काम करता हूँ लेकिन एट ए टाइम एक छोड़ सकता हूँ, दोनों इकट्ठे नहीं छोड़ सकता, अब मुझे बताएं मैं कौन सा एक छोड़ूँ। आप फरमाया कौन कौन सा काम करते हो? फरमाया या रसूलुल्लाह एक तो शराब पीता हूँ, दूसरे नंबर पर झूठ बोलता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया झूठ बोलना छोड़ दो। इतनी इसकी इंपॉर्टेंस है सच बोलने की। उसके पीछे लॉजिक क्या है? मतलब अगर झूठ बोलना छोड़ दे, किसी कोई पूछेगा भाई हाँ भाई शराब पी के आए हो, तो ये तो कह नहीं सकता नहीं मैंने नहीं पी, वहां पे बताना पड़ेगा हाँ भाई मैं पी के आया हूं, तो बताना पड़ेगा, तो वो फिर शराब पीना भी छोड़ देगा। मतलब लॉजिक क्या है उस चीज के पीछे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठ इतनी बुरी चीज है, लेकिन हमारी सोसाइटी में इतना इनकल्केटेड है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन मजाक में भी झूठ नहीं बोलेगा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यूथ से हमें सीखने को मिलता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शुरू में आपकी यंग एज का ही वाकया है कि हजरे अश्वत था जो काबा में, जिसके एक बाकायदा प्लेस है, तो वो टूट कर गिर गया, कोई सैलाब आया या कुछ इस तरह का वाकया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, वो मतलब वो गिर गया। जितने
अशराफिया थी मक्के की, डिफरेंट क्लैंस के जो सरदार थे वो सारे आ गए। एक बोले जी मैंने लगाना है, दूसरा बोले जी ये मुझे ऑनर होना चाहिए मैं लगाऊं, तीसरा बोले जी मुझे ऑनर होना चाहिए मैं लगाऊं। इतनी देर में फैसला ये होता है कि द वेरी नेक्स्ट पर्सन जो हरम शरीफ की वो जो काबा की जो एक सेंचुरी थी उसमें जो एंटर होगा उस बंदे से हम लोग फैसला करवा लेते हैं कि कौन इसको रखेगा। द वेरी नेक्स्ट पर्सन जो वहाँ से एंटर हुआ ही वॉज प्रॉफिट पीस ऑफ अल्लाह, उस वक्त अभी नबूवत का ऐलान नहीं हुआ हुआ। सारे लोग एग्री कर गए, पहली खूबसूरती देखिए सब लोग एग्री कर दिए कि हाँ जी ये बंदा ठीक है, ये जो भी फैसला करेगा बायस होके नहीं करेगा, ये हमें न्यूट्रल सा फैसला करेगा। उन्हें बताया गया या रसूलल्लाह, बल्कि आप उस वक्त तो नबी नहीं थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये प्रॉब्लम है हम इसको कैसे रिजॉल्व करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मसला ही कोई नहीं है, चादर लेके आओ, मैं वो सारा हजरे अस्वद उठाता हूँ चादर में रखता हूँ, तो जितने सरदार हैं वो चादर के पल्लू पकड़ लो, तो आप लोग उसे उठाना, बेसिक आप लोगों की लड़ाई इसी पे है कि मैंने उठा के लगाना है, तो मैं उसे उस वहाँ पे जो उसकी जगह है वहाँ पे लगा दूंगा। सारे उस चीज़ के ऊपर एग्री हो गए। अब इससे लर्निंग क्या है, दैट यू नीड टू बी एन आर्बिट्रेटर, सोसाइटी में इस्लाह का बायस बने, आप सोसाइटी में लोगों की लड़ाइयाँ कम करने वाले बने। जब जहाँ कहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए वहाँ पर लोग आपकी तरफ रेफर्ड होकर आएँ, तो आप किसी को फेवर दिए बगैर उसको हेल्प आउट करें। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से, इंडिविजुअल लाइफ से हम लोग सीखते हैं। यहां तक समझ आ गई आप लोगों को? आज तो मैं पानी भी नहीं लेके आया, मैं एक मिनट पानी लेके आया, आप एक इतनी देर में मैसेज कर दें कि समझ आ गई कि नहीं। चलें जी यहां तक समझ आ गई। अब आते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ एज अ मैन, सोसाइटी में रहने वाला एक मर्द जिसने लोगों के साथ डील करना है, वो शादीशुदा भी हो सकता है गैर शादीशुदा भी हो सकता है, आपने सोसाइटी में किस तरह की लाइफ गुजारी। एक वाकया है आप सल्लम के बारे में, हजरत अनस इसको कोट करते हैं। एक दिन हज़रत अनस फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन करैक्टर में कोई बंदा नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा कि अनस मेरा फलाना काम करके आओ। हज़रत अनस कहते हैं कि मैंने कहा कि मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं करना। फिर कहते हैं कि थोड़ी देर बाद मेरे ज़मीर ने मुझे झंझोड़ा कि यार तुमने क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम पर मना क्यों कर दिया कि नहीं करना। अब ये देखिए, एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की रियासत के सरदार हैं, किंग ऑफ द नेशन है। दूसरे नंबर पे ही इज़ अ प्रॉफिट, तीसरे नंबर पे ही इज एन एल्डर, चौथे नंबर पे वो समझ लीजिए उनके वो उनके गुलाम हैं और वो उनके आका हैं, मतलब इस तरह का रिलेशनशिप है सहाबी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सोशल लाइफ में इतना गैप लोगों को दे रखा है, उसके ऊपर इतना रोब नहीं डाल के रखा हुआ, इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई काम कहते हैं और वो कहते हैं या रसूलल्लाह मैंने नहीं करना। फिर ज़मीर ने झंझोड़ा, कहते हैं जी चलो मैं करता हूँ। तो वो कहते हैं जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो वो मुझे उनकी गेम अच्छी लगी, मैं उनके पास बैठ गया। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया हुआ पहले तो ना की, उसके ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नहीं डांटा, आपने फिर ये नहीं कहा कि तेरी जुर्रत कैसे हुई, तुमने मुझे तुमने ना बोली। मतलब आज हम अगर अपनी अपने आप को देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से अगर कंपेयर करें कि हम क्या लर्न किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से, अगर मेरे घर में कोई काम करने वाला भी हो ना जिसको मैंने पे पर रखा हुआ, उसको मैं कोई काम बोलूँ और वो काम ना करे, तो मैं पता नहीं क्या क्या बोलूँ उसको, कितना गुस्सा करूँ। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी अथॉरिटीज़ होने के बावजूद भी कुछ नहीं कहा। और फिर हज़रत अनस बाहर आके बच्चों के पास बैठ गए, फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा। कहते हैं थोड़ी देर गुजरी तो
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए और मुझे पीछे से पकड़ लिया, इधर से मुझे पीछे से पकड़ के कहते हैं, हज़रत अनस फरमाते हैं कि मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्माइल कर रहे थे। एक बंदा जिसने आपका ना किया हो, एक बंदा जिसने आपकी बात ना मानी हो और फिर कहे कि मैं करता हूँ और फिर भी बाहर जाके बच्चों के साथ खेलना शुरू हो, उसको देखकर आपको गुस्सा आना चाहिए या स्माइल आनी चाहिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से हम ये सीखते हैं कि स्माइल आनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस रहे थे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनस डिड यू डू एज आई आस्क्ड यू, जो मैंने तुम्हें काम कहा था तुमने किया? तो हज़रत अनस कहते हैं, मैंने कहा या रसूलल्लाह मैं बस जा रहा हूँ, मैं करके आता हूँ। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करैक्टर है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें सीखने को मिलता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि तुम में से बेहतरीन वो है, मतलब सोसाइटी में इफ़ यू वॉन्ट टू जज हु इज़ द बेस्ट पर्सन इन एनी सर्कमस्टांसिस, द बेस्ट ऑफ पीपल इज़ वन हुज़ लाइफ इज़ लॉन्ग एंड हिज कंडक्ट इज़ गुड, जिसकी उम्र लंबी होने के बावजूद जिसका इखलाक अच्छा हो, जिसका लोगों के साथ बर्ताव अच्छा हो। ये उम्र का यहाँ पे तज़किरा क्यों आया? उम्र का तज़किरा इसलिए आया कि जैसे जैसे इंसान बड़ी उम्र में होता है तब तो उसमें गुस्सा ज़्यादा आता है, उसके बावजूद जो बर्दाश्त करता है, उसके बावजूद जो अच्छे तरीके से पेश आता है वो अच्छा इंसान है। फिर ये, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिर्फ हमें बातें कही नहीं, ईच एंड एवरीथिंग करके दिखाई। बिकॉज अ गुड टीचर इज़ द वन जो किसी को अगर कोई लेसन देता है तो पहले खुद करता है और फिर अगले को कहता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाइफ हमसायों के लिए कैसे गुजारी? हमसायों से हम एक मिसाल ये ले लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अक्सर बड़ी शर्मिंदगी होती है कि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करता था, जो टिपिकल हमारा माइंड सेट है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं जॉब करता था, वहाँ पे हमारे ऑब्वियसली वो जो क्रिश्चियंस होते थे जो वहाँ पे सफाई सुथराई के लिए हायर हुए हुए थे, वो जब हमने खाना खाना ना तो उसके लिए बर्तन और पानी सेपरेट कर देना, कितनी शर्म की बात। मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, किसी दूसरे बंदे की नहीं बता रहा, इंतहाई शर्म, और आज मुझे उस पर बहुत नदामत होती है इस हरकत के ऊपर। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करैक्टर देखा जाए, आप मस्जिद नबवी में बैठे हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राइट साइड पे भी वफूद बैठे हुए होते थे, लोगों के लेफ्ट साइड पे भी बैठे हुए होते थे। अब उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, कोई काम करने वाला भी बैठा हुआ है, वहाँ पे क्रिश्चियंस भी हैं, वहाँ पे यहूदी भी हैं, वहाँ पे साबेईन भी हैं, वहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं, मुशरिकीन भी बैठे हुए हैं। कोई तोहफे के तौर पर दूध का प्याला लेके आया या शहद लेके आया, कुछ भी लेके आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं किया कि मैं पहले पी लूँ ताकि किसी और का जूठा ना पीना पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याला पकड़ते, राइट साइड पे देते, पूरी तरफ से घूम के आता, और एंड पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पीते। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करैक्टर से हम लोग चीज लर्न करते हैं, दैट यू बीइंग अ मुस्लिम यू आर नॉट सुपीरियर टू एनीबॉडी, जब तक आपका करैक्टर अच्छा नहीं है। आज अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि कोई क्रिश्चियन या कोई नॉन मुस्लिम इस्लाम कबूल करे तो वो कहाँ से कबूल करेगा भाई? कुछ करोगे तो वो कबूल करेगा ना, कुछ दिखाओगे तो वो कबूल करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील मेरे पास आते रहे और मुझे हमसायों के हकूक बताते रहे, यहाँ तक कि मुझे ये मेरे जहन में खौफ आने लगा कि कहीं जिब्रील हमसायों के लिए जायदाद में हिस्सा भी ना रख दें, इतने हकूक हैं हमसायों के। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। फिर एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, मैंने पहले भी कोट की थी, कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसूलतन अन रईयही, तुम में से हर एक राई है, राई वो बोलते हैं जो किंग है, जिसके पास अथॉरिटी है, और हर एक से उसकी रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा। ऑल ऑफ यू आर शेफर्ड्स, जो गडरी होते हैं, जिनके पास एक फ्लॉक होता है, एंड ईच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज फ्लॉक। A leader of a people is a shepherd and responsible for them. He is a shepherd over his family and is responsible for them. A woman is a shepherd over her husband's house and his children and she is responsible for them. बहुत लंबी यह हदीस है। हर बंदे से उसकी responsibility के बारे में सवाल किया जाएगा। Simple ये बात है। जो जो आप ये responsibility आपके ऊपर, कानूनी responsibility आपके मुल्क की भी, उसके ऊपर भी आपसे question किया जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे क्वेश्चन किया जाएगा। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईच एंड एवरीथिंग करके दिखाई। हम आपसे ही ये सीखते हैं। फिर मैंने लास्ट टाइम एक वो आपको कोट किया था, आ, आ,
उसको बोलते हैं, मैं हर दफ़ा ये टर्म मैं भूल जाता हूँ, सिला रहमी। सिला रहमी के बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये देखें, ये जितनी चीज़ें हैं ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से, आपकी इंडिविजुअल लाइफ से एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग लर्न कर रहे हैं, और वो उस लर्निंग का ही ये हिस्सा है कि आपने अपने रिश्तेदारों के साथ किस तरह बिहेव करना है, मतलब पूरा सोशल सेक्टर उसके अंदर आ गया। अगर आप क्लर्क हैं तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनके बारे में आपसे सवाल किया जाएगा, अगर आप हस्बैंड हैं तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वाइफ है तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हर चीज़ के बारे में। तो रिश्तेदारों से सवाल करने से के रिलेटेड पूछा जाता है, आप सल फरमाते हैं कि ट्रीटिंग योर किन विद द सेम काइंडनेस दे ट्रीट यू विद, उस उतना लिहाज उनका रखना जितना वो तुम्हारा लिहाज रखते हैं, डज नॉट काउंट एज प्रोटेक्टिंग एंड लुकिंग आउट फॉर देम, ये नहीं है उनकी प्रोटेक्शन और उनको लुक आउट करना, बल्कि द पर्सन हु ट्रूली प्रोटेक्ट्स एंड लुक्स आउट फॉर हिज किन इज द वन हु कीप्स बेनिफिटिंग देम इवन व्हेन दे ब्रेक देयर रिलेशंस विद हिम, जब वो उसके साथ अपने तल्लुकात तोड़े फिर भी वो उनके साथ तल्लुकात जोड़ रहा हो, वो असली बंदा है जो कर रहा है सिला रहमी कर रहा है। द बेस्ट ऑफ यू इज द बेस्ट अमंग यू इन कंडक्ट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये करके दिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके नाउजबिल था, आप सल्लम को नाउजबिल्ला कोई आके गले में कपड़ा डाल के अपना चीज मांगता था, मेरा तुमने कर्जा लिया हुआ वो दो, आप सल्लम ने कभी किसी को गुस्सा नहीं किया, मतलब कभी आपे से बाहर हो जाना, रिएक्टिव अप्रोच दिखाना, आप सल्लम की लाइफ से ये सारी लर्निंग्स हैं, हमेशा प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाना, दूर का सोचना कि मेरे करंट रिएक्शन का अभी क्या असर होगा अगर मैं ले लूं, और इन द लॉन्गर रन उसका क्या असर होगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सहाबा की तरबियत पे मामूर थे, और आपकी नेचर फिर उसी बेस पर, कुरान पाक में आता है उसी बेस पर ये कहा जाता है कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा बेहतरीन नमूना है, मतलब इफ़ यू वॉन्ट टू स्पेंड अ सक्सेसफुल लाइफ तो इस बंदे को फॉलो कर लो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, योर लाइफ विल बी सक्सेसफुल। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंडिविजुअल लाइफ थी। अब इंडिविजुअल लाइफ में ही एज हस्बैंड भी आ जाता है, फादर की लाइफ भी आ जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस बिन मालिक की हदीस मुबारका है, आई हैव नेवर सीन अ मैन हु वाज मोर कंपैशनेट टू हिज फैमिली मेंबर्स देन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई मर्द नहीं मैंने देखा जो अपनी फैमिली के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कंपैशनेट था इतना जितना के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आज हम ये कहते हैं कि अगर हस्बैंड ने वाइफ के साथ बच्चे को उठा लिया है, हम ये कहते हैं अगर उसने उसका पर्स अपने कंधे पे डाला हुआ है, अगर वो किचन में उसको हेल्प आउट कर रहा है, अगर वो डिश वॉश कर रहा है, हम एक ही लेबल लगाते हैं, रन मरीद हो गया, ये बीवी के नीचे लग गया, ये बीवी के पीछे पड़ गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी, हम लोग जूते भी बेगम को देते हैं पॉलिश करने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जूते खुद सिलाई करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों का दूध खुद निकालते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो एक दिन हजरत फातिमा थी शायद, वो तंदूर में रोटियां लगा रही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मुझे दो मैं भी एक रोटी लगाता हूँ। कभी इस चीज़ में आर महसूस मत कीजिए इफ़ यू आर हेल्पिंग योर फीमेल फैमिली मेम्बर्स, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, कपड़े धोने में, किसी चीज़ में कपड़े बाहर डालने में, किसी चीज़ में भी हेल्प करने में आर मत महसूस कीजिए। वो तमाम हकूक जो आपको लगता है कि आपके अपनी बीवी के ऊपर हैं कि वो आपको शूज़ भी पॉलिश करके दे, चाय बना के दे, नाश्ता बना के दे, ये करके दे, वो करके दे, वही अगर रिवर्स किए जाएँ तो आप भी अगर करें तो कोई मज़ायका नहीं है उसमें। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से एज अ हस्बैंड या एज अ फादर हम लोग सीखते हैं। फिर आप सल्लम की एक और हदीस मुबारका है कि द बिलीवर्स हु शो द मोस्ट परफेक्ट फेथ, अब बिलीवर्स की बात आ गई, ईमान वालों में से जिनका बेहतरीन फेथ है वो कौन है, आर दोज हु हैव द बेस्ट बिहेवियर, और उनमें भी एंड द बेस्ट ऑफ यू आर दोज हु आर द बेस्ट टू देयर वाइव्स। अगर किसी इंसान को ये देखना है कि वो कितना अच्छा और बेहतरीन इंसान है तो पहले उसको ये देखिए कि वो लोगों के साथ किस तरह था, किस तरह है बिहेवियर उसका, किस तरह है, और उससे भी बेहतरी देखनी है तो ये देखिए बीवी के साथ किस तरह बिहेव करता है। वो तारिक जमील साहब अक्सर कहते हैं ना कि मतलब अगर आप अपने पल्ले के बंदे से, हम पल्ला बंदे से, आपकी बीवी एएसपी हो ना, उसके ऊपर आप हाथ उठाएं
तुम आस वाज जाए जिंदगी में, पता लग जाए कि किसी के ऊपर हाथ उठाया था, मतलब किसी कमज़ोर के ऊपर जो फिजिकली आपसे वीक है, इमोशनली आपसे वीक है, जो हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर इस तरह का है कि वो उसके ऊपर हर वक्त आपने तलवार लटकाई होती है, मैं बाप के घर भेज दूंगा, वापस भिजवा दूंगा, और बाप के घर से ये तलवार लटकी होती है कि पुत्र उथू मार के ही वापस आना ही है, तो वैसे वापस नहीं आना। इस तरह की कमज़ोर ज़ात के ऊपर अगर आप जुल्म करेंगे, इस तरह की कमज़ोर ज़ात के ऊपर अगर आप मर्दानगी अपनी शो कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा घटिया इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो वो कोई भी नहीं है। फिर ये फैमिली की केयर की बात है, एज अ हस्बैंड एज अ फादर आपने कैसे लाइफ गुजारनी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से हम लोग क्या सीखते हैं। आप सल फरमाते हैं द मोस्ट एक्सीलेंट दिनार इज वन दैट अ पर्सन स्पेंड्स ऑन हिज फैमिली। सबसे बेहतरीन पैसा वो है, सबसे बेहतरीन दिरहम वो है, मतलब खर्च किया हुआ, जो इंसान अपनी फैमिली के ऊपर खर्च करे। एंड द दिनार विच ही स्पेंड्स ऑन हिज राइडिंग एनिमल इन द वे ऑफ अल्लाह, जिहाद पे अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए। दूसरे नंबर पर बेहतरीन माल वो है जो वो उस अपने जानवर पे इस्तेमाल करता है। और तीसरे नंबर पे एंड द दिनार ही स्पेंड्स ऑन हिज कंपेनियंस इन द वे ऑफ अल्लाह, और वो जो अल्लाह की खातिर अल्लाह के रास्ते में अपने दोस्तों के ऊपर पैसे खर्च करता है। मतलब अगर आपकी कमाई रिश्तेदारों के ऊपर, नानक वाली देने के ऊपर, लोगों के किसी की शादी पे उसने मुझे 2000 दिया था तो मैंने 3000 देना है, इन चीज़ों के ऊपर लग रही है, लेकिन आपके बच्चों के और आपकी बीवी के बेसिक हकूक पूरे नहीं हो रहे, आपकी फैमिली के बेसिक हकूक पूरे नहीं हो रहे, तो आप अपने पैसों का अच्छा इस्तेमाल नहीं कर रहे एज़ पर स्टैंडर्ड्स गिवन बाय होली प्रॉफिट। फिर आप सल्लम फरमाते हैं द बेस्ट अमंग यू आर दोज हु बिहेव बेस्ट टुवर्ड देयर वाइव्स, आई एम द बेस्ट अमंग यू टुवर्ड्स हिज वाइव्स। फिर आपने ये भी फरमाया द बेस्ट अमंग यू इज द वन हु इज द काइंडेस्ट टू हिज वाइफ। मतलब बेस्ट होने का क्राइटेरिया ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रख दिया, बिहेवियर अच्छा हो, और उसमें भी बीवी के साथ बिहेवियर अच्छा हो। एंड द वर्स्ट अमंग यू इज द वन हु ट्रीट्स हिज वाइफ बैडली, तुम्हें से बुरा तरीन इंसान वो है जो अपनी बीवी के साथ बुरा पेश आता है। अब ये बीवी वाला है क्या, दे आर योर कमिटेड हेल्पर्स, दे आर द वंस हु आर सपोज टू रिमेन विद यू फॉर लाइफ टाइम। मतलब इवन वेमेन के लिए भी ये गाइडलाइंस हैं कि योर हस्बैंड्स आर द वंस हु आर कमिटेड फॉर यू फॉर लाइफ टाइम। ना आपके बेटे, ना आपका बाप, ना आपका भाई, ना आपकी बहनें, कोई भी नहीं साथ होगा, ना मर्द के ना औरत के। जो साथ रहता है, जो साथ देता है, वो या आपकी वाइफ है या आपका हस्बैंड है। तो उसको भी अगर आपने ठीक तरह ट्रीट नहीं करना, उसके लिए भी अगर आपने बेईमानियां करनी है, उसके लिए भी अगर आपने दो नंबरियां करनी है, तो फिर उस लाइफ का कोई फायदा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी जो खुतबा है, खुतबा हज्जतुल विदा जिसे कहा जाता है, ओ पीपल इट इज ट्रू दैट यू हैव सर्टन राइट्स विद रिगार्ड टू योर विमेन, बट दे ऑल्सो हैव राइट्स ओवर यू। रिमेंबर दैट यू हैव टेकन दैम एज योर वाइव्स ओनली अंडर अल्लाह's ट्रस्ट, अल्लाह के हुक्म, अल्लाह की अमानत के तौर पर उनको तुमने अपनी बीवी के तौर पर रखा है, लिया है, एंड विद हिज परमिशन, और अल्लाह की इजाजत के साथ। इफ दे अबाइड बाई योर राइट, अगर वो तुम्हारे हकूक पूरे कर रही हैं, देन टू देम बिलोंग्स द राइट टू बी फेड एंड क्लोथ्ड इन काइंडनेस। तो उनका, उनके ऊपर जो, तुम्हारे ऊपर जो लाजिम है उनके हकूक पूरे करना, वो ये है कि उनको वही कुछ खिलाओ जो खुद खाते हो, उनको वही कुछ पहनाओ जो खुद पहनाते हो, और साथ में क्या कहा, इन काइंडनेस, एहसान नहीं जितलाना, कोई आप बड़ा आउट ऑफ द वर्ल्ड काम नहीं कर रहे। डू ट्रीट योर वुमेन वेल एंड बी काइंड टू देम फॉर दे आर योर पार्टनर्स एंड कमिटेड हेल्पर्स। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी आगे के लेक्चर्स में भी ये चीजें कोट होंगी, कि बेहतरीन तोहफा जो पेरेंट्स दे सकते हैं अपनी औलाद को, वो तालीम है, वो इल्म है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी फरमाया, आप एज अ फादर अगर हम देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि हाँ, अगर किसी के घर बेटी पैदा होती है, वो अपने बेटों को उसके ऊपर सबकत नहीं देता, बेटों के उसके ऊपर प्रेफरेंस नहीं देता, तो वो बेटियां और उसकी अच्छी परवरिश करता है, तो वो बेटी क्यामत के दिन उससे, उसके लिए दोजक से ढाल बनेगी। ये उस सोसाइटी की बातें की जा रही हैं जिस सोसाइटी में औरत को मुकाम तो दूर की बात, बाय एंड सेल वाला फिनोमिना किया जाता था। उस सोसाइटी में इतने राइट्स देना आज की सोसाइटी में जो फेमिनिस्ट बात करते हैं उससे भी 100 दर्जे ऊपर है।
आप सब फरमाते हैं अ बिलीविंग मैन शुड नॉट हेट अ बिलीविंग वुमन, अपनी बीवी से नफरत मत करें। इफ़ ही डिसलाइक्स वन ऑफ हर करेक्टरिस्टिक्स, होता है हर इंसान में कोई बुरी आदत होती है, अगर उसे कोई एक आदत उसकी नापसंद है, ही विल बी प्लीज्ड विद अनदर, तो कोई ऐसी भी तो होगी जिससे वो उससे खुश हो जाएगा। ये वो चीज़ें हैं जो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से, आपकी इंडिविजुअल लाइफ से हम लोग लर्न करते हैं। अब अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, ये वैसे जनरिक कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आ जाए मैदान में, पूछ सकते हैं आप मुझसे। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, अगर ये स्ट्रीम आप शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ कर दीजिए, इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी एंड फॉर अदर स्टूडेंट्स एज वेल। इस्लामियात का पेपर उर्दू में होता है या इंग्लिश में, तो ये आपके पास चॉइस होती है जी, आप दोनों में कर सकते हैं, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था, उसमें गर्ल्स का भी है और बॉयज़ का भी है, उसमें जितना भी हमारा हमारी जो कवर फ़ोटो लगी हुई है पेज पे, उसके ऊपर हमारे तमाम जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं उनके लिखा हुआ स्पेसिफिक, हम किस किस सब्जेक्ट को डील कर रहे हैं। तो डेली 5 से 6 बजे का टाइम हमने रखा हुआ है क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। वो जो क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए है, उसमें हम लोग स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं कि वो पूछ सकें हर टीचर से अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड, जहाँ पे भी वो स्टक हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन वे लेना चाहते हैं। तो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, तो माई व्हाट्सएप नंबर इज़ 0345-999-4400। इसके ऊपर आप मुझे अपने नाम के साथ और अपनी आपकी अटैम्प्ट कौन सी है और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से हैं, उसके साथ मुझे आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको रेलिवेंट ग्रुप में ऐड कर दूंगा। लास्ट हदीस अगेन कर दे रिपीट, बेटी पर जो कहा आपने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि अगर किसी के घर बेटी पैदा होती है, वो उसको जिंदा दरगोर नहीं करता, अपने बेटों को उसके ऊपर प्रेफरेंस नहीं देता और उसकी अच्छी तरबियत करता है, तो क्यामत वाले दिन वो दोजख की आग से उसके लिए ढाल बनेगी, निजात बनेगी। हाउ कैन वी सॉल्व पास्ट पेपर्स बोथ कंपल्सरी एंड ऑप्शनल्स, मतलब पास्ट पेपर्स लें उसको सॉल्व करें, उसमें मैं क्या बताऊं कि कैसे करना है। जब आप अटेम्प्ट करेंगे, किसी से इवेल्युएट करवाएंगे, हमारे पैनल से करवा लें, मुझसे करवा लें, तो ही आपको पता चलेगा आप कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं। सर इंग्लिश में अगर अटेम्प्ट करें तो आयत और हदीस इंग्लिश के साथ साथ उर्दू में हम कोट कर सकते हैं? नहीं, उर्दू में आपने नहीं करनी फिर, अगर इंग्लिश में मतलब आपने एक ओरिजिनल सोर्स कोट करना होता है वो अरेबिक है, और दूसरा उस लैंग्वेज में कोट करना होता है जिसमें आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, उर्दू नहीं फिर आप करेंगे। हदीस का रेफरेंस कैसे मेंशन करना है, मीन जस्ट सही मुस्लिम सही बुखारी मेंशन करना इनफ है। हदीस नंबर तो आपको इतने ज़्यादा याद रखने पॉसिबल नहीं होंगे, तो आप जस्ट हदीस लिख सकते हैं, मुस्लिम बुखारी अगर आपको पता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। नंबर है 0345-999-4400। मैंने बोल दिया जी नंबर दोबारा, चलें जी, अपना ध्यान रखिए, खुशबाश रहिए। कल जुमा है, परसों हमारा एक सेशन है पॉलिटिकल साइंस के ऊपर, दिन को 2 बजे, उसको भी ज्वाइन कीजिएगा, काफ़ी कुछ आपको लर्न करने को मिलेगा। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, कंप्लीट डिटेल नोट्स बनाने के बाद, पहले पास पेपर के करें या सारा सिलेबस रिवाइज देन पास पेपर। एक तो ये आप जेहन में रखें कि जो आपने नोट्स बनाने हैं वो पॉइंट बेस्ड नोट्स होने चाहिए, डिटेल्ड लंबी कहानियां नहीं होनी चाहिए, जस्ट हेडिंग्स लिखें, एक आध हदीस और कुरान की आयत जो आपने कोट करनी है वो लिखें, इस तरह के नोट्स बनाएं। और जब आपने एक दफ़ा नोट्स बना लिए हैं तो फिर आप पास पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। आई कॉन्ट रिमेंबर ऑल दी वर्सेज, प्लीज टेल मी हाउ टू इजीएस्ट वे टू रिमेंबर। उसका बेहतरीन तरीकाकार ये है के राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें। अरेबिक लिखने का कितना इम्पैक्ट होता है पेपर में, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, अगर आप अरेबिक भी लिख रहे हैं तो नंबर काफ़ी अच्छे आते हैं। चलें जी, मुझे लगता है आपके सवाल ख़त्म हो गए हैं,
अपना ध्यान रखिए, खुशबाश रहिए, दुआओं में याद रखिए। कल फिर हमारी क्लास होगी, फ्राइडे है, कल क्लास होगी, थर्ड लेक्चर इस वीक का। सो कल भी आप ऑनलाइन आइएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।